भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश, जिसे हृदय प्रदेश, टाइगर प्रदेश, सोया प्रदेश, दलहन प्रदेश, नदियों का मायका इत्यादि नामों से जाना जाता है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। पहले अपनी धीमी विकास के कारण इसे बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई थी। दरअसल 1980 के दशक में भारतीय जनसांख्यिकी विद्या और आर्थिक विश्लेषक आशीष बोस ने सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विषयों में कम विकसित राज्य को बीमारू राज्य की संज्ञा दी थी, किंतु मध्य प्रदेश में अपनी विकास और समृद्धि से इस संज्ञा को उतार फेंका है। तत्कालीन सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में 15.4 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिससे मध्य प्रदेश में 8% CAGR विकास ग्रोथ दर्ज की गई। मध्य प्रदेश सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन, जल संरक्षण, सिंचाई, निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास जैसी विभिन्न पहलुओं पर कार्यरत है, जो जन कल्याण के साथ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित रीवा संभाग अपने भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से काफी महत्वपूर्ण है। रीवा संभाग विंध्य क्षेत्र में स्थित है, जिसके अंतर्गत 5 जिले रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली तथा मऊगंज आते हैं। सिंगरौली में कई माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं और सीधी में प्राकृतिक भंडार जैसे कोयला, चूना पत्थर इत्यादि का प्रचुर भंडार है, जो देश भर के उद्योगों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रीवा डिवीजन या रीवा संभाग का उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने के कारण कृषि एवं व्यापार को बढ़ावा मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के अनुसार तत्कालीन इंदौर में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में रीवा संभाग के लिए 2,88,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है, जो कि इंदौर के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेश है और इस निवेश से 1,50,000 रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। साथ ही कई आधारभूत प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसे इस क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद विकास के क्षेत्र में रीवा अग्रणी है और यहाँ चल रहे विकास को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रीवा संभाग के कई क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। इसके अंतर्गत कई परियोजनाएं संचालित हैं, जैसे सड़क परियोजना के अंतर्गत ही मोहनिया टनल का निर्माण किया गया है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सभी सुविधाओं से युक्त है। यह टनल रीवा को सीधी से जोड़ता है, जो इनके बीच की लगभग 7 किलोमीटर की दूरी को कम करता है और साथ ही यात्रा समय घटकर मात्र 45 मिनट ही रह जाता है। इस टनल को बनाने में लगभग 1,004 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस टनल में ऑप्टिकल फाइबर, लाइनर आईटी डिटेक्शन सिस्टम, अग्निशामक यंत्र, कैमरा और फोन जैसी मौलिक सुविधाएं दी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक भोपाल से सिंगरौली तक विंध्य एक्सप्रेसवे बनाकर उसके दोनों तरफ औद्योगिक क्लस्टर यानी केंद्र बनाए जाएंगे। सतना एवं बेला के मध्य 4 लेन वाली सड़क निर्माण से सीमेंट, कोयला और हीरा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही फ्लाईओवर, बाईपास, नवीन पार्क, शॉपिंग मॉल इत्यादि आधारभूत संरचना निर्माण ने रीवा के विकास की कड़ी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाणसागर परियोजना इस क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। इसने नहरों के निर्माण से किसानों को फायदा, डैम निर्माण से विद्युत उत्पादन की सुविधा एवं मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी इत्यादि के कारण कृषि एवं व्यापार को बढ़ावा मिला है। मध्य प्रदेश के सीएम और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर 15 फरवरी 2023 को चोरहटा में रीवा एयरपोर्ट के विकास की आधारभूत शिला रखी गई है। यह प्रोजेक्ट
उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश को हवाई पहुंच प्रदान करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। इससे क्षेत्र के विकास की तीव्रता में तेजी आएगी और रोजगार की बढ़ोतरी होगी। इस एयरपोर्ट का विस्तार 246 एकड़ तक होगा, जिसके लिए 206 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि को मंजूरी दी गई है। रीवा में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा जैसी महत्वपूर्ण परिवहन सुविधाएं विकसित की गई हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच एवं व्यापार को बढ़ावा देता है। रीवा के पर्यटन क्षेत्र में मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व, इको पार्क जैसे स्थलों के निर्माण से रीवा का सौंदर्यीकरण हुआ है। साथ ही धार्मिक पर्यटन स्थल जैसे पचमठा धाम, चिरावला मंदिर, रानी तालाब व देव तालाब जैसे स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो रीवा के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रीवा में काफी हद तक सुधार हुआ है। इस सुधार का प्रमुख कारण अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय, ठाकुर रणमत प्रताप सिंह महाविद्यालय, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज एवं महिला व पुरुष दोनों के लिए आईटीआई कॉलेज और साथ ही महिला कॉलेज की स्थापना की गई है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रीवा का कायाकल्प ही बदल दिया है। रीवा में चिकित्सा संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थाएं जैसे संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सिटी हॉस्पिटल, सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, जो रीवा को इस क्षेत्र में भी गर्व करने का अवसर देती हैं। रीवा में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम जैसी सुविधा खेल जगत में भी रीवा का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कलाकारों को अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति के लिए कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम जैसी सुविधा देकर कलाकारों का भी सम्मान किया जाता है। साथ ही रीवा में बसामन मामा, गौ अभयारण्य और लक्ष्मण धाम गौशाला जैसी सुविधाओं से हजारों गौवंशों की रक्षा की जाती है, जो रीवा की सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जिसने रीवा के साख को एशिया स्तर तक पहुंचाया है, वह है रीवा सोलर प्लांट, जो रीवा जिले के गुड़ तहसील में स्थित है और इसके द्वारा 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन टन कम कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण की सुरक्षा में अप्रतिम योगदान है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, किसानों एवं जनजाति समुदाय को फायदा पहुंचाना है, ग्रीन ऊर्जा को घरों तक पहुंचाना एवं छोटे छोटे स्टार्टअप को बढ़ावा या प्रोत्साहित करना है। 1.5 दशक पहले मध्य प्रदेश पिछड़ा स्टेट हुआ करता था, विशेषकर रीवा डिवीजन विकास से और भी अछूता था, लेकिन तब से अब तक इस क्षेत्र के विकास में काफी परिवर्तन आया है। जहां पहले बिजली, सड़क एवं पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था नहीं थी, इस क्षेत्र में निवेशक भी आने को तैयार नहीं थे क्योंकि यहां पर आधारभूत संरचनाओं की कमी थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। आधारभूत संरचना निर्माण, कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में सतत विकास किया है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र प्रगति, विकास और समृद्धि का गवाह बना है। पर अभी भी विकास के लिए काफी गुंजाइश है, जहां काम करने की जरूरत है। अतः हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में भारत का आर्थिक हॉटस्पॉट रीवा को बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।